मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, उनके शेर भी बहुत सफ़र किया, उनके शेरों ने, चाहे जगजीत सिंह की जबान में हो, चाहे उनकी आवाज़ में हो, चाहे बाकी सिंगर्स ने उन्हें गाया हो, लेकिन इसी तरह से जहाँ से राजेश रेड्डी इस मुशायरे को ऊपर ले गए हैं, मैं इस पर एक पायदान ऊपर रखते हुए बिना किसी भूमिका के शब्द बोलेगा नाम में उनके मेरे मुंह से निकलेगा और आपका उनके प्रति मोहब्बत और स्नेह छलक कर आएगा। मैं डॉक्टर नवाज देवबंदी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपा पूर्वक यहां पर आए। डॉक्टर नवाज देवबंदी, अस्सलाम वालेकुम। मुशायरों के ताजदार डॉक्टर राहत इंदौरी गजल सरा थे। उनका हर शेर आपके दिल, आपके दिमाग, आपकी रूह पर दस्तक दे रहा था। एक शेर उन्होंने पढ़ा कि वो मतलब जमींदार कर दिया। वहीं से बात शुरू करता हूँ, शेर मेरा पुराना, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। अर्ज करता हूँ कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, वाह डॉक्टर साहब, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ईमानदारी से ताली नहीं बजी। मुझे इसी सिलसिले का एक और शेर याद आया कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक शेर और अर्ज करता हूं कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। वाह। अब दुबई वालों दूसरे में जिम्मेदारी कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। अच्छा है, वाह वाह वाह, शुक्रिया, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है, आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। चंद शेर हाजिर करता हूं, मुलायजा फरमाए। शाजिया किदवाई साहिबा जब यहाँ गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने रिजवी साहब के हवाले से उनकी वालदा का जिक्र किया। अल्लाह मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, और जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी, जिन लोगों की मतलब अल्लाह ताला के यहाँ रुख्सत हो गई हैं जिनकी वालदाएँ, अल्लाह सब की मगफरत फरमाए। मुझे एक शेर अपना याद आया, चार मिसरे याद आए, तो मैं रिजवी साहब के हवाले से आपके सुपुर्द करता। अर्ज करता हूं कि अपने कमरे और अपने दालान में रहता हूं। वाह। अपने कमरे और अपने दालान में रहता हूं, घर में रहकर भी मैं अपने कमरे और अपने दालान में रहता हूं, घर में रहकर भी लेकिन नुकसान में रहता हूं। और माँ के मर जाने पे घर का मंजर मत पूछो, ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान में रहता हूं, ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान में रहता हूं। यहां से बात शुरू करता हूं कि नफरतों के सौदागर बस्तियों में रहते हैं। नफरतों के सौदागर बस्तियों में रहते हैं, रोशनी के दुश्मन हैं जुगनुओं में रहते हैं। अब चौथे मिसरे पे दुआ चाहूंगा कि रोशनी के दुश्मन हैं जुगनुओं में रहते हैं, और बेकफन ही दफना दो बेजमीर जिंदों को, बेकफन ही दफना दो बेजमीर जिंदों को, बेघरों की बस्ती में कोठियों में रहते हैं। बेकफन ही दफना दो बेजमीर जिंदों को, बेघरों की बस्ती में कोठियों में रहते हैं। बेघरों की बस्ती में कोठियों में रहते हैं। यह भी शेर चार मिसरे मुलादा फरमाए कि कोई उम्मीद न जज्बा तलाश करते हैं। क्या बात, कोई उम्मीद न जज्बा तलाश करते हैं, कोई उम्मीद न जज्बा तलाश करते हैं, जमीर बेच के पैसा तलाश करते हैं। वाह डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। और दाद तो बात को फिर चौथे मिसरे पे देनी पड़ेगी कि कोई उम्मीद न जज्बा तलाश करते हैं, जमीर बेच के पैसा तलाश करते हैं। और नवाज अहले सियासत की बात मत पूछो, ये कब्र खोद के मुर्दा तलाश करते हैं। अच्छा है, अच्छा
نواز اہل سیاست کی بات مت پوچھو، یہ قبر کھود کے مردہ تلاش کرتے ہیں یہ قبر کھود کے مردہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک عدل عرض کرتا ہوں کہ جسم کو روح سے بھی پیار نہیں ہوتا کیا؟ جسم کو روح سے بھی پیار نہیں ہوتا کیا؟ پھول خوشبو کا طرف دار نہیں ہوتا کیا؟ اب میرے دوستو زندہ رہے کمار بھائی شیر ملاحظہ کریں کہ جسم کو روح سے بھی پیار نہیں ہوتا کیا؟ پھول خوشبو کا طرف دار نہیں ہوتا کیا؟ اور کوٹھی بنگلے تو بہت ہوتے ہیں ان لوگوں کے، ریحان بھائی آفتاب بھائی کے کوٹھی بنگلے تو بہت ہوتے ہیں ان لوگوں کے، ان بڑے لوگوں پہ کردار نہیں ہوتا کیا؟ اچھا ہے، واہ ڈاک صاحب کیا سوال ہے، واہ واہ، میرا خیال سے بڑے ہی لوگ زیادہ ہیں یہاں، شاید اس لیے تالی کم بجی۔ واہ ڈاک صاحب کہ کوٹھی بنگلے تو بہت ہوتے ہیں ان لوگوں کے، ان بڑے لوگوں پہ کردار نہیں ہوتا کیا؟ اب اس شعر پہ آپ داد دیں یا نہ دیں، لیکن مجھے شعر اچھا لگتا ہے کہ ان بڑے لوگوں پہ کردار نہیں ہوتا کیا؟ کمار بھائی کہ دھوپ دیوار سے ہنس ہنس کے بہت پوچھتی ہے، دھوپ دیوار سے ہنس ہنس کے بہت پوچھتی ہے، رات میں سایہ دیوار نہیں ہوتا کیا؟ سایہ دیوار، شکریہ۔ دھوپ دیوار سے ہنس ہنس کے بہت پوچھتی ہے، رات میں سایہ دیوار نہیں ہوتا کیا؟ اس خوبصورت مشاعرے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، رضوی صاحب بھی ہیں اور آفتاب صاحب بھی اور ریحان بھائی بھی اور بہت سارے لوگ، ندیم بھائی بھی آئے ہیں، راہل بھی آئے ہیں، سب لوگ۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ جب آپ لوگوں نے راجیش ریڈی کو جس طرح سنا تو مجھے ایسا لگا کہ اگر آپ کی یہ پذیرائی، یہاں راجیش ریڈی ہوں وہاں سے یہ پذیرائی ہو، اگر اس کا منظر ہندوستان بھیج دیا جائے تو جلتی ہوئی آگ خود بخود بجھ سکتی۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ۔ شکریہ۔ کہ کوٹھی بنگلے تو بہت ہوتے ہیں ان لوگوں کے، ان بڑے لوگوں پہ کردار نہیں ہوتا کیا؟ کہ دوستی عشق وفا پیار محبت عزت، دوستی عشق وفا پیار محبت عزت قیمتی چیزوں کا بازار نہیں ہوتا آیا ہے۔ بہت معصوم، بہت بڑھیا، واہ 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 واہ، کتنا سادہ، کتنا بڑھیا، واہ واہ واہ۔ اچھا دھیرے سے اگر کوئی مصرع سنایا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ کم تالی بجے، جب دھیرے سے مصرع ہو تو تالی زیادہ بجنی چاہیے۔ چلیے شکریہ۔ کہ قیمتی چیزوں کا بازار نہیں ہوتا کیا؟ قیمتی چیزوں کا، اور یہ شعر میں اپنی روح کی گہرائی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ قیمتی چیزوں کا بازار نہیں ہوتا کیا؟ کہ کیا گناہ کر کے ہی ہوتا ہے گناہگار کوئی؟ راجیش بھائی کہ کیا گناہ کر کے ہی ہوتا ہے گناہگار کوئی؟ سوچ لینے سے گناہگار نہیں ہوتا۔ بھائی بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا منوجان کی بات ہے، کیا منوجان کی بات ہے، واہ۔ شکریہ۔ کہ کیا گناہ کر کے ہی ہوتا ہے گناہگار کوئی؟ سوچ لینے سے گناہگار نہیں ہوتا کیا؟ گناہگار نہیں ہوتا کیا؟ اور میری ہر آہ پہ ہنستا ہے مسیحا میرا، واہ ڈاکٹر صاحب، واہ واہ۔ میری یہ میری جو ہے نا، میرا سب کا کر بھائی، کہ میری ہر آہ گناہگار نہیں ہوتا کیا؟ کہ میری ہر آہ پہ ہنستا ہے مسیحا میرا، یہ مسیحا کبھی بیمار نہیں ہوتا کیا؟ اچھا ہے، بہت معصوم، واہ۔ میری ہر آہ پہ ہنستا ہے مسیحا میرا، یہ مسیحا کبھی بیمار نہیں ہوتا کیا؟ اور اہل دبئی کی خدمت میں پھر ایسے ہی آخری پہر میں دو مصرے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھے لگیں تو دعا چاہوں گا۔ فرحان بھائی کہاں بیٹھے ہیں پتہ نہیں، چلیے شکریہ۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مسیحا کبھی بیمار نہیں ہوتا کیا؟ رضوی صاحب کہ یہ بیمار نہیں ہوتا کیا؟ شعر عرض کرتا ہوں کہ جب تلک
जब तलक शौक में आंखें ना गंवा दे कोई। आह वाह वाह वाह। जब तलक शौक में आंखें ना गंवा दे कोई, उससे पहले तेरा दीदार नहीं होता क्या? वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। आहा आहा, बहुत अच्छे। जब तलक शौक में आंखें न गंवा दे कोई, उससे पहले तेरा दीदार नहीं होता क्या? उससे पहले तेरा दीदार नहीं होता क्या? एक गजल के दो तीन शेर और अर्ज करता हूं कि खुद अपने आप को ही बेवफा कहा मैंने। देखिए बहुत मुश्किल काम है ये कि खुद अपने आप को ही बेवफा कहा मैंने, गिला किया भी तो खुद से गिला किया मैंने, और ये मेरा शौक था या खौफ था खुदा जाने। अब ये दो लफ्ज हैं शौक और खौफ के, खुद अपने आप को ही बेवफा कहा मैंने, गिला किया भी तो खुद से गिला किया मैंने, ये मेरा शौक था या खौफ था खुदा जाने। हर एक मोड़ पे पूछा है रास्ता मैंने। अच्छा है, अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आह वाह वाह वाह, शौक, वाह वाह वाह। शुक्रिया नवाजिश कि हर एक मोड़ पे पूछा है रास्ता मैंने, और मैं अपने राज को तब जाके राज रख पाया, मैं अपने राज को तब जाके राज रख पाया। हर एक राज को खुद से छुपा लिया मैंने, अब इंतजार में आंखें तो बुझ चुकी, लेकिन जला के रख दिया दहलीज पर दिया मैंने। अब इंतजार में आंखें तो बुझ चुकी लेकिन जला के रख दिया दहलीज पर दिया मैंने। और ये भी शेर मैं अपने तमाम दोस्तों की खिदमत में अर्ज करते हुए आप तक पहुंचाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विश्वास भाई मुलाजा फरमाइए कि जला के रख दिया दहलीज पर दिया मैंने, कि जमाना दोस्ती समझे या दुश्मनी समझे, जरा सी तवज्जो चाहूंगा दूसरे मिसरे पे, कि जला के रख दिया दहलीज पर दिया मैंने, कि जमाना दोस्ती समझे या दुश्मनी समझे, चराग उसने खरीदा है और हवा मैंने। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। चराग उसने खरीदा है और हवा, जमाना दोस्ती समझे या दुश्मनी समझे, चराग उसने खरीदा है और हवा मैंने, और खुद अपने आप को ही इस कदर बुरा समझा। खुद अपने आप को ही इस कदर बुरा समझा, कभी किसी को कहा ही नहीं बुरा मैंने। शुक्रिया। खुद अपने आप को ही इस कदर बुरा समझा, कभी किसी को कहा ही नहीं बुरा मैंने, और जब उसने काट दी मुट्ठी तो गिर पड़ा परचम। फिर अपने बाजू को परचम बना लिया मैंने। शुक्रिया। जब उसने काट दी मुट्ठी तो गिर पड़ा परचम, फिर अपने बाजू को परचम बना लिया मैंने। कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है। और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। और रोने धोने से तो गम की वक्त घटती है। हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है। अब इस शेर में शिरकत फरमाए कि अच्छा लगता है कि घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है। यहां बहुत सारी बेटियां, माएं, बहनें बैठी हैं। मुलाजा फरमाएं कि कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है, और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है, और घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है, बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है।
अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है, बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए, बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। मुझे एक अपना मतला याद आया, मैं जब भी मुशायरे या कवि सम्मेलन में पढ़ता हूं तो होता यह है कि लोग उस पर कम दाद देते हैं, शायद डूब जाते हैं, लेकिन मुशायरे के बाद में जब लोग मुझसे मिलते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू होते हैं और लोग गुफ्तगू नहीं करते। शेर और एक कर्म मुलाहिज़ा फरमाएं, अर्ज करता हूं कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। तालियों की तरह ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, शुक्रिया। कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। और जब औलादें नालायक हो जाती हैं, जब औलादें नालायक हो जाती हैं, अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। जब औलादें नालायक हो जाती हैं, अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है, अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। दो बूढ़े चरागों का उजाला ना चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला ना चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा ना चला जाए। अच्छा है, दो बूढ़े चरागों का उजाला ना चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा ना चला जाए, और दामन आए जो बहू हाथ से बेटा ना चला जाए, और कातिल के खिलाफ आखिरी तस्दीक बची है, कातिल के खिलाफ आखिरी तस्दीक बची है, दामन से मेरे खून का धब्बा ना चला जाए। वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह। और ये शेर अर्ज करता हूं कि दामन से मेरे खून का धब्बा ना चला जाए, और दामन से मेरे खून का वो शहर गरीबों का था जब भीख लूटी थी। आए डॉक्टर साहब, अद्भुत है तो। वो शहर गरीबों का था जब भीख लूटी थी, ये शहर अमीरों का है, कासा ना चला जाए। अच्छा है डॉक्टर साहब। वो शहर गरीबों का था जब भीख लूटी थी, ये शहर अमीरों का, ये शहर अमीरों का है, कासा ना चला जाए। एक मतला एक शेर हाजिर करके इजाजत चाहता हूं। कासा ना चला जाए, अर्ज किया कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। मैं अर्ज करता हूं कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाले दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। वाह, अच्छा डॉक्टर साहब, उन्हें हाले दिल ना सुनाइए। कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाले दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो, जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। और न दिए का है न हवा का है, विश्वास भाई के न दिए का है न हवा का है, यहां जो भी कुछ है खुदा का है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। न दिए का है न हवा का है, यहां जो भी कुछ है खुदा का है, यहां ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। वाह क्या बात है, क्या बात है, यहां ऐसा कोई दिया नहीं, यहां ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। एक शेर और सुनाता हूं कि जरा सा दम अगर हो हौसलों में, जरा सा दम अगर हो हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों में। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। जरा सा दम अगर हो हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों में। एक मतला अर्ज करता हूं कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। और कुमार भाई शेर अर्ज करता हूं कि दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। हाँ क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते।
अच्छा डॉक्टर साहब, वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं। माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। अच्छा डॉक्टर साहब। माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। अब देखिए फरहान भाई के इस मुशायरे में, शाजिया किदवाई साहिबा के मुशायरे में, आफ्ताब भाई और रेहान भाई के इस मुशायरे में, अब दो मिसरे जश्न करेंगे कि अच्छा नहीं कहते। अरे मुशायरा तो आप ही का है, नाम तो उनका, पेमेंट उनसे मिलना है, मुशायरा आपका है कि अच्छा नहीं कहते, अच्छा नहीं कहते। शेर मुलाजा फरमाइए कि बन जाए अगर बात, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए बजा दीजिएगा। नाजरीन बहुत अच्छी है ये, कोई खास फरमाइश के शेर डॉक्टर साहब पढ़ दीजिए। देखिए एक ये जी, अच्छा चलिए, खैर वो बहुत लंबी नज्म है, मैं कुछ शेर और हाजिर करता हूँ। एक ये हुक्म हुआ है मुझे, अर्ज करता हूँ कि वो ही किस्से तेरे और वो ही फसाने मेरे। वाह, गजल सुनिएगा, देखिए गजल का लहजा दूसरा है कि वो ही किस्से तेरे और वो ही फसाने मेरे, रोज आ जाते हैं कुछ दोस्त रुलाने मेरे। वो ही किस्से तेरे और वो ही फसाने मेरे, रोज आ जाते हैं कुछ दोस्त रुलाने मेरे, और मैंने कल तरके ताल्लुक की दुआ मांगी थी। मैंने कल तरके ताल्लुक की दुआ मांगी थी, हाथ झुलसा दिए कल मेरी दुआ ने मेरे। वाह वाह, अच्छा डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मैंने कल तरके ताल्लुक की दुआ मांगी थी, हाथ झुलसा दिए कल मेरी दुआ ने मेरे, हाथ झुलसा दिए कल मेरी दुआ ने मेरे, और ऐसा मुंह फेरा था एक रोज हवा का मैंने, ऐसा मुंह फेरा था एक रोज हवा का मैंने, रोज आती है चरागों को जलाने मेरे। वाह, अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। ऐसा मुंह फेरा था एक रोज हवा का मैंने, रोज आती है चरागों को जलाने मेरे, और जब भी मिलता है नया जख्म खुशी होती है। जब भी मिलता है नया जख्म खुशी होती है, हंसने लगते हैं सभी जख्म पुराने मेरे। वाह, अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। वाह, जब भी मिलता है नया जख्म खुशी होती है, हंसने लगते हैं सभी जख्म पुराने मेरे। एक तो फाका था कई रोज का उस पर मेहमा, एक तो फाका था कई रोज का उस पर मेहमा, घर के दर खोल दिए तेज हवा ने मेरे। एक तो फाका था कई रोज का उस पर मेहमा, घर के दर खोल दिए तेज हवा ने मेरे, और हाथ झुलसा दिए कल मेरी दुआ ने मेरे। वो ही फुटपाथ वो ही गलियां वो ही फुटपाथ वो ही वीराने। वाह, वो ही गलियां वो ही फुटपाथ वो ही वीराने, जिंदगी जानती है सारे ठिकाने मेरे। वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। वो ही गलियां वो ही फुटपाथ वो ही वीराने, जिंदगी जानती है सारे ठिकाने मेरे। और दोस्तों एक मंजर बनाता हूं, पेंटिंग बनाता हूं, देखिए अगर अच्छी लगे तो, दुआ चाहूंगा कि जिंदगी जानती है सारे ठिकाने मेरे, के होश वालों ने मेरे पांव दबाए आकर, होश वालों ने मेरे पांव दबाए आकर आज दीवानगी बैठी थी सरहाने मेरे। होश वालों ने मेरे पांव दबाए आकर आज दीवानगी बैठी थी सरहाने मेरे। जिस गजल का हुक्म है, एक मतला दो शेर सुना के इजाजत चाहता हूं। ये मेरी गजल गुफ्तगू है, मैंने गुफ्तगू को गजल और गजल को गुफ्तगू बनाने की कोशिश की,
میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مطلع سے بات شروع کرتا ہوں کہ جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا۔ واہ! جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، آئینہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا۔ اچھا، آئینہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا۔ اب آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو، تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو، مسکراتے تو اور اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑھیا ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، آنا جانا تھا آتے جاتے تو۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ہی سادہ، بہت بڑھیا، واہ! اختلافات ہوتے رہتے ہیں، آنا جانا تھا آتے جاتے تو، اور چاندنی رات سسکیاں بھرتی، تم ذرا اپنی چھت پہ آتے تو، اور بھولتے شوق سے ہمیں لیکن بھولنے کا ہنر بتاتے تو۔ اب شعر سن لیجئے کہ دوستی میں انا نہیں چلتی، خود نہ آتے کبھی بلاتے تو۔ اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، دوستی میں انا نہیں چلتی، خود نہ آتے کبھی بلاتے تو، آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے ڈاکٹر صاحب، آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں، تم بلاتے جو ہم نہ آتے تو۔ واہ! ایک بار زوردار تالیاں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کے لیے بجا دیجیے گا۔